Hey.
खेल रही सतगुरु संग करी खेल रही पीव प्यारी सूरत संग खेल रही पीव आपके ऊपर दया हुई है। आज भंडारे में आपको यही दया मांगते रहना है। इसी तरह से दया हमारे ऊपर गुरु महाराज बनाए रखिए। गुरु की दया अगर मिलती रहेगी तो ये जो गृहस्थी के अनिनाव है इस पर सवार रहते हुए आप भवसागर से पार हो जाओगे। लेकिन अगर गुरु भूल गए तो इसी में आप डूबते उतराते रह जाओगे, दोबारा फिर जन्म लेना पड़ेगा। और यही तकलीफ जो गृहस्थ आश्रम में झेल रहे हो वही बराबर झेलते रहो। यही गृहस्थी की खुजली बराबर सताती रहेगी। गृहस्थी की खुजली कैसी होती है? एक आदमी अंधा था, अपराध किया, गलती किया, तो गलती की सजा तो मिलती ही है, जेल में बंद कर दिया गया। अंधा था तो उसके लिए एक नौकर लगता था, एक और कैदी लगाया जाता था। तो अधिकारियों ने सोचा कि इसको निकाल को न दिया जाए, चला जाए। लेकिन ऐसे कैसे निकाल, तो शर्त रख दिया, कहा जाओ ये दीवाल है, चार दीवारी, इसमें गेट है और गेट से तुम निकल जाओ, तुमको वहां कोई निकालेगा नहीं, तुम गेट से निकल जाओ। तो जब जाए गेट के पास पहुंचे तो खुजली होने लग जाए, तो ऐसे टटोलता हुआ जाए दीवार, कि दीवार कहाँ खत्म हो रही है, वो गैप यानी वो जगह कहाँ है कि जहाँ अंदर घुसने का है बाहर जाने का है, रास्ता कहाँ पर है। तो वहां जब दरवाजे के पास पहुंचे तो उसको खुजली हो जाए, तो कभी सिर में, तो कभी हाथ में, तो कभी पेट में, कभी पीठ में, तो दरवाजा मिले ही नहीं और उसी में चक्कर काटता रह जाता था। ऐसे ही चक्कर काटता रह जाना पड़ता है इसी गृहस्थी में। एक खुजली है, तमाम खुजली है, तमाम समस्याएं हैं, कहाँ तक आपको बताऊं। आप लोग गृहस्थ हो, आप महसूस कर रहे हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, आप जब घर में रहते हो तो देखते हो कितनी समस्याएं हैं। रास्ता मिलता हो, रास्ता जानते हुए भी यह जानकारी हो गई कि रास्ता है भव सागर से पार होने का, निकलने का, इस मृतलोक में नहीं आने का, लेकिन मिल नहीं रहा है आपको, उस पर पहुंच नहीं पा रहे हो बाहर निकलने के लिए। लेकिन गुरु को अगर याद रखोगे तो गुरु अकल दे देंगे, बुद्धि दे देंगे, संभाल गुरु ही करते हैं, गुरु ही सब कुछ होते हैं। इसीलिए कहा गया गुरु माथे पर राखिए चलिए आज्ञा माए, कह कबीर का दास का तीन लोग बनाए, उसके लिए कोई भय नहीं होता। देखो प्रेमी, हमको आपको गुरु महाराज जैसे गुरु मिले और जो बात के भी नाम रानी हो, आपको भी यही समझना है
कि गुरु की दया से ही यह सब कुछ हो रहा है, हमारे गुरु महाराज की दया से ही यह सब कुछ हो रहा है, वही सब कुछ करा रहे। खर्चा करे न कर सके गुरु करे सो, वही सब कर रहे हैं, वही करवा रहे हैं। चाहे गुरु महाराज के आप शिष्य लोग हो और चाहे बाद के नामदानी हो, आप दोनों लोगों को यह समझना है कि करने वाले वही हैं, कराने वाले वही हैं, सब कुछ वही है। लेकिन हम लोग उनको समझ नहीं पाते हैं। हम लोग उनको ये समझते हैं ये मनुष्य शरीर में थे और ये आप चले गए, लेकिन वो आज भी आपके साथ हैं, जिनको जिनको नामदान दिए हैं, और वही अकल देते वही बुद्धि देते हैं। आप जब अपनी अकल लगाते हो बुद्धि लगाते हो वहां पर फेल हो जाती हो, लेकिन जब गुरु पर निर्भर हो जाते हो तो आप अनुभव करते होगे कि जहां आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, अकल नहीं जहां आ रही है, वही गुरु को जब याद करते होगे तो अकल आ जाती होगी। गुरु सृजनहार हैं, गुरु पथ प्रदर्शक हैं, गुरु संभालने वाले हैं, गुरु ही सब कुछ करते हैं। गुरु का स्थान बहुत ऊंचा रहा है, समर्थ गुरु हमेशा धरती पर रहे हैं, कभी गुप्त रूप में रह करके संभाल किए हैं और कभी प्रकट रूप हुए जगह में आए। प्रकट रूप में आते हैं, प्रकट रूप में कब आते हैं, जब ज्यादा भटकाव हो जाता है, जब ज्यादा अनिश्चय लोग दुखी हो जाते हैं, लोगों के कर्म खराब हो जाते हैं, तब यहाँ से निकालने के लिए आते हैं। रूस का बादशाह पीटर निकाल करके लाया था अपने देश के लोगों, कैसे उसके यहाँ कुछ लोग गलती किए, गलती किए तो उनको देश निकाला हो गया। अब उसमें गलती करने वाले भी थे और गलत काम करने में सहयोग करने वाले भी लोग थे। साथ का असर होता है, संगत ही गुण होते हैं, संगत ही गुण जाए, बांस पांच और मिश्री एक भाव दिखाए। देखो मिश्री के अंदर रस्सी पड़ी रहती है, बांस के टुकड़े पड़े रहते हैं और वो भी मिश्री के भाव बिक जाते हैं। बरसात के महीने में एक स्वाति नक्षत्र आता है, उसमें बारिश कम होती है, लेकिन वो जो बारिश होती है उसकी बड़ी कीमत होती है। स्वात बूंद गुणती अनि समझो कि स्वाति के बूंद जो गिरते हैं उनके गुण तीन होते हैं, कैसे ये भी बता दें। कदली से भुजंग मुख, कदली मन केला, केला के पंखुड़ियों में कपोलों में पड़ता है तो वही कपूर बन जाता है और सफेद उज्जवल होता है। मान लोग रहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र, कहते हैं कि कपूर जैसे सुंदर है, तो बहुत ही सुंदर और खुशबूदार होता है कपूर। आप लोग जानते हो, जलाते हो आरती में, तेल में भी डाल करके लगाते हैं। कपूर का असर क्या होता है कि हड्डी तक उस चीज को पहुंचाता है जिस चीज में मिला करके लगाते हैं। कपूर मिला करके ये माताएं तेल जब बच्चों को लगाती है तो अंदर से जो जुकाम होता है वो उस पर असर पड़ता है, अंदर जो जमा हो जाता है बल वो उससे पिघलता है तो कपूर हो जाता है, केले के पंखुड़ियों में पड़ता है। और सीप में, सीप होता है कहाँ, समुद्र में, उसके मुंह में जब पड़ जाता है तो वही मोती बन जाता है। और सांप के मुंह में जब पड़ता है तब जहर बन जाता है। तो कदली सीप भुजंग मुख, सात बूंद गुण तीन, और जैसी संगत कीजिए वैसे ही गुण तीन, जैसा साथ करोगे उसी हिसाब से उसका गुण आएगा, अच्छाई आएगी बुराई आएगी। इसीलिए तो साधक मांगते हैं, तो साधना करते हैं क्या मांगते हैं कि साध संग मोहि देव नित परम गुरु दातार, या मेरे मालिक या मेरे प्रभु मुझे साधक का संग दो। साधक अगर मिल जाएगा
और साधना करना सिखा देगा, उठना बैठना बता देगा, तौर तरीका बता देगा। साधक का संग सुखदायी होता है। और साधक की पहचान क्या होती है? वो तो खग जाने खगही की भाषा। ऐसे साधक की पहचान नहीं होती है। साधक की पहचान साधना करने वाले को ही होती है। अलग अलग दर्जा होता है। जैसे कोई 5 दर्जा में पढ़ता है, कोई 8 में पढ़ता है, कोई 10 में पढ़ता है। 5 दर्जा वाला ही पहचान सकता है किसको 10 दर्जा पढ़ने वाले को, उसकी योग्यता का परिचय उसी को मिल सकता है। जो नहीं पढ़ता है या जो 2 दर्जा में पढ़ने वाला है, 10 दर्जा को क्या पहचान पाएगा? साधक का संग करने के लिए यानी प्रार्थना किया, दया करो कि हमको साधक का संग मिले। तो संग दोष लगता है। संग से अच्छाई भी आती है, बुराई भी आती है। तो साथ कर लिया था बुरे लोगों का, तो वो लोग भी निकाल दिए गए थे, रूस से बाहर कर दिए गए थे, दूसरे देश में चले गए बेचारे, आयरलैंड में गए। तो वहाँ कौन काम था उनके लिए? मजदूरी करते थे। मजदूरी के बाद फिर कंपनी में लग गए। तो एक कंपनी थी, उसी कंपनी में कल कारखाना समझ लो आप, सामान बनता था, उसमें भर्ती हो गए और वहीं सब इकट्ठा रहने लग गए। तो पीटर बादशाह ने सोचा, भाई हमारे देश से जो लोग निकाले गए हैं उनको हम क्यों ना अपने देश में वापस ले आऊं। सोचने लगा कैसे नाम में क्या करें। गया पूछा, कहा हमको तो अब लाना ही है, निकल गया। हॉलैंड को पता लगाया कहाँ पर है, पता लगा वो तो हॉलैंड में है। गया वहाँ, उन्हीं मजदूरों के वेश में, उन्हीं तरह का कपड़ा पहन करके रहने लग गया, उसी कल कारखाने में मजदूरी करने लग गया। तो एक दिन पूछा ताछी हुई, एक दूसरे से पूछे, बोली बानी से भी, बोली के टोन से भी पहचान हो जाती है, चेहरे से भी पहचान हो जाती है। देखो चेहरे में फर्क सबके है, यहाँ इतने आदमी बैठे हो लेकिन चेहरा में कोई न कोई फर्क सबके रहेगा। लेकिन कुछ प्रदेश ऐसे हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं कि जहाँ की बनावट लगभग एक जैसी है। जैसे छोटी आंखें होती हैं, जैसे नदी नाक होती है, जैसे चपटा चेहरा होता है, लंबा होता है, इस तरह का बनावट होता है। जहाँ जैसी जलवायु होती है, जहाँ जैसा वातावरण होता है, उसी हिसाब से उसका असर बच्चे के ऊपर पड़ता है और उसी तरह का रंग रूप उसका चेहरा हो जाता है। भाषा भी बदल जाती है, भाषा का टोन बदल जाता है। बोलते हिंदी ही है लेकिन देखो अभी आपके भारत देश के लोग हिंदी बोलते हैं, इधर आप चले जाओ यानी बिहार में चले जाओ, उससे आगे असम उस तरफ चले जाओ, तो बोली में फर्क मिलेगा। यहाँ की बोली में फर्क मिलेगा, राजस्थान की बोली में फर्क मिलेगा। जब देखा कि भाई मजदूरों ने देखा, ये तो रूसी टोन में बात कर रहा है, रूसी भाषा बोल रहा, परिचय हो गया एक दूसरे का, परिचय हो गया तो प्रेम हो गया। वहीं बादशाह भी रहने लग गया, साथ में मजदूरी करने लग गया। लेकिन बादशाह ने लोगों का दिल जीत लिया। दिल जीतने से ज्यादा प्रेम होता है, दिखावे से और कहने से प्रेम नहीं होता है। प्रेम तो चेहरे से आंख से झलकता है, कहते मुख से कुछ बोलत नहीं, नैन देत है रोए, हनी समझो कि देखते ही प्रेम जब झलकता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है, आदमी आदमी के दिल को, इंसान इंसान के दिल को जीत लेता है। तो जगह बन गई, प्रेम की जगह बन गई पहले वाले मजदूरों में राजा की। तो एक दिन राजा ने कहा, पीटर ने कहा, रूस के बादशाह ने कहा, कहा कि अपने देश चला जाए। तो उन लोगों ने कहा, भाई हमारा तो देश निकाला हो गया तो हम कैसे जा सकते हैं? बोले हम माफ कराएंगे, जहाँ पर गुनाह बनाया गया है
वहीं माफी का भी विधान बना दिया गया है। अब यह जरूर है कि हर कोई माफ नहीं कर सकता है, जिसको पावर है, जिसको शक्ति है, वो माफ कर देता है। बादशाह ने कहा, हाँ भाई माफी हो जाएगी। बोले कौन माफी करेगा, बादशाह ने ही तो हमको निकाल दिया है, हमसे गलती बन गई, इंसान से ही गलती बनती है, लेकिन उसी गलती को हमको निकाल दिया, तो अब कैसे वो माफ करेगा। तो पीटर ने कहा कि हम माफ कराएंगे, बादशाह हमारा दोस्त है। हंस पड़े सब, बोले इसका दोस्त और बादशाह, नहीं कुछ बोले। कुछ दिन और रहा, फिर मन बनाया लोगों का, चलना चाहिए। कुछ लोगों का मन बन भी गया। फिर कुछ दिन बीता, फिर एक दिन बोला चला जाए वहाँ, बादशाह हमारा दोस्त है, यकीन करो, विश्वास करो, हम माफ करा देंगे। तो लोगों ने कहा भाई चल के देखा जाए, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हो सकती है, तो इस मजदूर की भी दोस्ती बादशाह से हो सकती है, कभी एक दूसरे के काम आए होंगे तो प्रेम हो गया होगा, एक का तो एहसान दूसरे पर हो गया होगा, तो हो सकता है ऐसा हो, और नहीं होगा तो वापस चले आएंगे। एक बार तो चला ही जाए, अपनी मातृभूमि को देख लिया जाए, उस धरती को एक बार प्रणाम कर लिया जाए दुनिया संसार से जाने से पहले। तो मन बन गया, सब लोग चल पड़े। जैसे वहाँ बॉर्डर पर पहुँचे, तैसे वहाँ सब लोग खड़े स्वागत के लिए, बॉर्डर वाले अधिकारी कर्मचारी और सब वहाँ खड़े हैं। आप मजदूर लोग सोचने लग गए कि भाई है तो कोई हस्ती वाला ही आदमी, अगर हस्ती वाला आदमी ना होता, अगर इसकी पावर ना होती, तो इसको लोग कैसे यहाँ खड़े इंतजार करते, सलाम प्रणाम करते, स्वागत करते। सोचने लगे मन ही मन, चलो भाई चला जाए। आज जब वहाँ पहुँचा महल के गेट पर, वो सारे के सारे सिपाही और कर्मचारी सब खड़े सलूक दे रहे हैं। अब ये मजदूर लोग बिल्कुल एकदम से आश्चर्य में कि भाई इसको सलूक दे रहे हैं, तो है तो कोई दमदार आदमी ही, पावर तो इसमें है, दोस्त तो ये पक्का है, और बादशाह इसको मानता है। जब महल में पहुंचे, सोमा रानी दासी सब खड़ी हैं, क्योंकि ये सब पहचान गए, बादशाह को पहचान गए सब लोग, बादशाह है, मालूम हो गया था, कला चले गए हैं, कहीं बाहर दूसरे देश में रहते हैं, लेकिन आ गए, बहुत सब खुश हो गए। और राजा बुला करके कहा इनको बिठाओ, हमारे ये दोस्त हैं, हमारे ये सहकर्मी हैं, हम इनके साथ वहाँ काम करते थे, तो इनको सबको बैठाओ, इनको जलपान कराओ और आदर सम्मान के साथ बैठाओ। बादशाह अंदर अपने कमरे में चला गया और अपना पोशाक यानी अपने वो राजसी कपड़े पहन करके आया और बैठ गया। और दोस्तों, मैंने तुम्हारी गुनाहों की माफी कर दी, अब तुमको कहीं नहीं जाना है, अब तुमको अपना जीवन यहीं बिताना है, यहीं मरना, यहीं जीना है। इसी तरह से जैसे वो बादशाह गया निकाल करके ले आया, ऐसे ही हमारे गुरु महाराज जैसे संत है इस धरती पर आए थे, जीवों को समझाए थे, बताए थे, कितनों को पहुंचा दिया, अब वो वापस अपने निज घर से, सतदेश से, इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए प्रेमियों आने वाले नहीं हैं। आपको मैंने बताया कि गुरु की पावर बड़ी पावर होती है, और जब नामदान देते हैं तब काल भगवान को जो सौंप दिए थे सत्पुरुष जीवों को, उनके हाथ में पावर और डोर आ गई थी, उस डोर को काल भगवान के हाथ से ले लेते हैं जीवात्माओं के, तो फिर उनका जोर नहीं चलता है, उन जीवों पर नहीं चलता है। आप बहुत से लोग अपनाए हुए जीव हो गुरु महाराज के, ये समझ लो कि गुरु महाराज के हाथ में डोर आ गई है आपकी। अब आपको ये भी बता दें कि आपके मन में शंका होगी कि गुरु महाराज तो चले गए, लेकिन संभाल हमारी अब कौन करेगा, गुरु पद स्थान है,
त्रिकुटी के पास में ही, वहाँ पर वो आते रहते हैं बराबर। संत जिन जीवों को अपनाते हैं संभाल करने के लिए वहाँ से उतर करके आते हैं। पहले तो मनुष्य शरीर में आते हैं, मनुष्य शरीर में तकलीफ झेलते हैं, मनुष्य शरीर में गर्मी ठंडी बर्दाश्त करते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, लोगों का ताना, लोगों का गाली गुस्सा बर्दाश्त करते हैं, और जब शरीर छोड़ करके चले जाते हैं तो फिर रहते हैं इस मृतलोक में। मृतलोक के नियम का पालन उनको भी करना पड़ता है। इस प्रेमियों, एक बार अंतर में गुरु को अपना हाथ अगर पकड़ा दिया जाए, ये साधना जो उन्होंने बताया उसको अगर आप करने लग जाओ, सुमिरन ध्यान भजन अगर आप करने लग जाओ, और गुरु की दया अंतर में आपके ऊपर हो जाए, गुरु आपका हाथ पकड़ ले, तो फिर वो छोड़ने वाले नहीं हैं। चाहे चू करो चाहे मुंह छू, मुंह जानते हो बरसात जब आती है तो काले काले कीड़े होते हैं, देखने में बिल्कुल एकदम मालूम नहीं पड़ता कि कीड़ा है, क्योंकि ऊपर से जैसे कछुआ के ऊपर कमर लगा रहता है, खाल उसकी मोटी हो जाती है, इसी तरह से वो भी रहते हैं। कछुआ मुंह बाहर निकालता है, पैर बाहर निकालता है तो चलता है, पड़ा रहे तो मालूम नहीं पड़ता कछुआ है। ऐसे ही वो कीड़े होते हैं, उनके पैर और वो सब दिखते नहीं। तो जामुन, जामुन जानते हो काला काला होता है, बरसात में बरसात तक रह जाता है, अभी गर्मी में फलना शुरू होगा, हो गया है और बरसात तक रह जाता है, तो जामुन पड़ा हुआ था। अभी एक आदमी गया तो जामुन इकट्ठा किया, अब उसी में वो कीड़ा भी आ गया काला काला, तो जामुन खाया, उसके बाद फिर वो कीड़े को जब ऐसे दबाया तो चू 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 करने लग गया, आवाज लगाने लग, तब कहता है चाहे चू करो चाहे मुंह करो, काले काले को एक को नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे ही कैसे भी जाओ, कहीं भी जाओ, भटक के जाओ, लेकिन वो जिनको पकड़ लेते हैं फिर छोड़ते नहीं है। अगर ध्यान नहीं दोगे आप तो आज आपको बता के जा रहा हूं, यहाँ हाथिन आने समय लोग कन्नौज जिला के इस स्थान पर, कि अगर लोग ध्यान नहीं देंगे तो कुछ समय के बाद यही नौजवान देश के 50% यानी 100 में 50 नौजवान ये पागलों जैसे दिखेंगे, नशे की आदत में पड़े दिखेंगे इधर उधर, दुर्घटनाएं बढ़ती चली जाएंगी, अकाल मृत्यु में चले जाएंगे, ये प्रेत योनियों में चले जाएंगे, पेट बड़ा होता मुंह पतला होता है, कभी पेट ही नहीं भरता है, परेशान रहते हैं, दूसरों को भी परेशान करते रहते हैं। तो जब यही बच्चे आएंगे आपको ही लग जाएंगे प्रेत योनि में जो चले जाएंगे, तो चैन की रोटी खा पाओगे कि कुछ कर पाओगे, इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड उज्जैन मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है, अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।